सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। आज की दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं BTC मार्केट के बारे में, BTC अपडेट के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि BTC में हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली है, तो दोस्तों आगे क्या मोमेंट हो सकता है BTC में जानेंगे आज की इस वीडियो पे। दोस्तों कौन सी, और हमने ये भी देखा कि ऑल्टकॉइन पे काफ़ी हमें बुरा असर देखने को मिला है। बहुत सारे ऑल्टकॉइन दोस्तों काफ़ी फिर से एक, जैसे कि हम बात करें EOS के बारे में, TRX में फिर से दोस्तों यहाँ पे हमें डाउन देखने को मिल चुका है, जबकि काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी, काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। तो हम जानें दोस्तों कि BTC का नेक्स्ट अपडेट क्या हो सकता है, BTC की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, और इससे ऑल्टकॉइन में क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक को। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मैंने अपने टेलीग्राम पे कल ही नोटिफाई कर दिया रहा है कि यहाँ पे BTC एक डेंजर जोन पे है और मार्केट यहाँ पे क्रैश हो सकती है। और जैसे यहाँ पे मैंने किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो BTC करेक्शन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे हमें काफ़ी दोस्तों BTC का मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला, और कहीं ना कहीं अब यहाँ पे हमें एक डेंजर जोन को यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप एक थोड़ा सा दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक सपोर्ट बनने की वेटिंग है। अगर सपोर्ट नहीं बनती है तो BTC दोस्तों काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो नेक्स्ट इसकी टारगेट होगी वो कम से कम 48,000 तक, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ सपोर्ट नहीं बनती है तो और भी दोस्तों हमें डाउन देखने को मिलती है। लेकिन वीकली ट्रेंड के हिसाब से हमें यहाँ पर यही, हमें यहाँ पर इसी टाइप का वेट करना है कि लगभग 51,000-52,000 तक में एक सपोर्ट बनाएं, जिससे कि दोस्तों एक नई मोमेंट हमें देखने को फिर से मिल सकती है। अगर वन डे का हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के थ्रू चली तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 52,000 पे यहाँ पे एक सपोर्ट बनती हुई दिख रही है। लेकिन जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे क्रेश की है, ऐसा लग रही है जैसे कि मार्केट यहाँ से और डाउन जाने वाली है। अगर दोस्तों ये सपोर्ट यहाँ पर बन जाती है तो मैक्सिमम बहुत अच्छा होगा, और आने वाले टाइम पर BTC और भी अच्छा मोमेंट हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो हमें दोस्तों अभी वेट करना है कि BTC इस मोमेंट पे एक अच्छा सा सपोर्ट बनाए। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि इसकी जो नेक्स्ट टारगेट होगी वो दोस्तों 48,000 के लगभग पे होगी। और यहाँ पे दोस्तों एक सपोर्ट अगर नहीं बनती है तो फिर दोस्तों और भी हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। और इसमें दोस्तों ऑल्टकॉइन के बारे में बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर अचानक से बिटकॉइन यहाँ पे गिरती है तो बहुत, तो ऑल्टकॉइन पे काफ़ी हमें क्रेज देखने को मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है। क्या है दोस्तों कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सिग्नल्स को, ट्रेड को फॉलो करते हैं, तो जिस तरह से मार्केट यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ तो मैक्सिमम चांस बनते हैं कि अगर BTC यहाँ से डाउन आ जाए तो ओल्ट में भी दोस्तों थोड़ा सा और असर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि BTC जब करेक्शन लेती है, जब अचानक से करेक्शन आती है, तो ओल्ट पे भी हमें यहाँ पे बुरा असर देखने को मिलता है। तो थोड़े थोड़े दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या सपोर्ट यहाँ पे बनती है। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनती है तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि यहाँ पर 48,000 का जो सपोर्ट बनता है उस पर, उसके बाद दोस्तों 42,000 का सपोर्ट बनता है उसके ऊपर यहाँ पर टच करें। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ तो मैं आपसे एक यही बात कहूँगा कि आप अपनी, आपके पास जो भी पोर्टफोलियो है उसे दोस्तों कुछ USDT में सेफ रखें। अगर आप उसे सेफ नहीं रखते हैं तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि और भी यहाँ पर डाउन हमें देखने को मिले। और EOS TRX के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा EOS TRX में भी हमें यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी हमें देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों BTC अचानक से करेक्शन हुई। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि EOS TRX जितने भी दोस्तों ओल्ड कॉइन है, लार्ज कैप की जो भी कॉइन है, उसमें दोस्तों अभी आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। अभी दोस्तों थोड़ा सा भी सेफ रहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों क्या होता है कि ओल्ड अभी जस्ट गिरी है तो लोगों को लगता है कि अब यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है। तो हो सकता है कि अच्छा मौका हो, लेकिन थोड़ा टाइम अगर वेट कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि और भी दोस्तों आपको डीप में देखने को मिले और दोस्तों आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोस्तों कि यहां पे BTC एक सपोर्ट बनाए 52,000 तक में, और आज की जो मोमेंट हो वो कम से कम दोस्तों जो सपोर्ट जो है वो दोस्तों कम से कम 54,000 तक का हो। अगर 54,000 तक में भी आज की मार्केट स्टैंड करती है तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जो इसकी नेक्स्ट टारगेट होगी 69,000 को लगभग टच करें। लेकिन दोस्तों अगर आज दोस्तों मतलब ये समझो कि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे, आज अगर ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेक होती है तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि फिर मार्केट आपको काफ़ी डाउन आपको देखने को मिले। अगर BTC डोमिनेंस के बारे में हम यहाँ पे देखें तो 61.47 का परसेंटेज का डोमिनेंस यहाँ पर है, तो वो भी सही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर BTC डोमिनेंस थोड़ा सा डाउन आती है तो इसमें ऑल्ट में हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बार ऐसा भी हुआ है कि BTC डोमिनेंस भी घटी है और ऑल्ट कॉइन का में भी बुरा असर पड़ा है। तो आगे क्या होगा ये दोस्तों अभी हमें थोड़ा सा और एनालाइज की जरूरत है। और मार्केट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा बिटकॉइन को यहाँ पर हमें स्टैंड करने की जरूरत है।
जैसा कि मैंने आप बताया आपको यहाँ पर एक सपोर्ट बनने की जरूरत है लगभग 54-55 हज़ार तक में। आज की अगर मार्केट यहाँ पर स्टैंड कर जाती है तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि फिर से हमें एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिले, लेकिन अगर इस हाथ इसे ब्रेक करती है तो फिर दोस्तों मेरे हिसाब से आपको जितने भी आपके पास जो भी बिटकॉइन वगैरह है उसे आप यूटिलिटी में रखें ताकि आपको एक बड़ा नुकसान होने से आप यहाँ पर बच सको। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। साथ ही दोस्तों अभी कुछ टाइम पे मैं एक कुछ ऐसे कॉइन के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि टॉप 100 वैल्यू जेम्स होंगे, और अगर आप अभी इसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर वॉच लिस्ट में अगर आप रखते हैं तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर ये बाइनेंस में लिस्ट होती है तो कम से कम 10x तक आपको रिटर्न यहाँ पे दे सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।